हेलो नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी की, सूडान में फंसे उन भारतीयों की जिनको भारत सरकार वापस अपने देश सहकुशल लाने में जुटी है, और आखिर सूडान में ये हालात क्यों बने। 2021 में सूडान की राजधानी खार्तूम में एक कूप हुआ, जिसके बाद देश की आर्मी दो हिस्सों में बट गई। एक का नेतृत्व जनरल अब्दुल फतेह अली बुरहान ने किया, जो कि इस समय वहां के डिफेक्टो प्रेसिडेंट भी हैं, और दूसरा का नेतृत्व वहां के जनरल मोहम्मद हमदान नगारो के पास था। बताया जाता है कि वहां की पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ का नेतृत्व करते हैं, जिसमें करीब 1,00,000 अर्धसैनिक बल हैं। इन दोनों की लड़ाइयों का कारण ही आज सूडान में ये स्थिति बनी। सूडान की राजधानी खार्तूम में पिछले 10 दिनों से चल रहे सीज फायर के बाद अब भारत ने अपना ऑपरेशन कावेरी वहां पर शुरू किया है। बताया जा रहा है कि वहां पर करीब 5,000 से भी ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। भारत को 72 घंटे की विंडो मिली है, जिसके तहत वहां पर फंसे हुए करीब और 4,000 भारतीयों को भारत सरकार को सहकुशल निकालना है। शुरुआती दौर में भारत के एलाई सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने करीब 7 लोगों को रेस्क्यू कर भारत के हवाले किया, लेकिन अब भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां से बचे हुए भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है, जिसमें भारत सरकार ने अपने सभी संसाधनों को जुटा लिया है। भारत ने अपना एक नेवल शिप INS सुमेधा और 2 एयरफोर्स के विमान इस पूरे मिशन में लगाए हैं। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारी जो जान बचाई है हम सब। अंत में सवाल यही उठता है कि आखिर इतने भारतीय सूडान कैसे पहुंचे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला भारतीय 1856 में जो सूडान पहुंचा था वो गुजराती था, जो कि व्यापार करने के जरिए सूडान की राजधानी खार्तूम पहुंचा, और धीरे धीरे फिर सैकड़ों वर्षों में भारतीय वहां पर इकट्ठे होते गए और सूडान के अलग अलग रीजनों में जाकर काम करते रहे। नमस्कार।